तो भाई देखो तो यहीं पे आग लगी हुई है, बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। देखो भाई देखो तो रहा है वो आगे, देखो कितने सारे लोग आ रखे हैं गाइस। मतलब यहाँ की जितनी मार्केट थी ज़्यादातर मार्केट जल चुकी है भाई गाइस। ये देखो मतलब वो भाई तो गाइस देखो ये सारा सामान जल चुका है यहाँ का। अपने अपना सामान लेके जा रहे हैं यहाँ से ताकि जले ना। बाहर निकलो यहाँ से, बाहर चलो। फायर ब्रिगेड आ गई है, सब कुछ जल चुका है, ज्यादा दुकानें जल चुकी हैं। ओए पीछे करो। मतलब पूरी आगे देखो यार, शिट यार आगे बहुत ज्यादा लगी हुई है, यहाँ से ना काफी ज्यादा आगे लगी हुई है। धुआं ही धुआं हो रहा है। अरे एक बार बुझा रहे ना, दोबारा से जा रही है अपने आप ही। एक और फायर ब्रिगेड आ गई भाई, पांच फायर ब्रिगेड है इस टाइम पे। सारा सामान जो जल चुका है देखो, यहाँ पूरा जो चौक था ये पूरा बंद कर दिया है, एंड यहाँ सारी पुलिस फोर्स खड़ी है। तो भाई पाइप छोटी थी ना, तो पाइप आगे उठाने के लिए एक और पाइप आ गई है। यहाँ पर आग लगी है ना, ये जगह सेक्टर 52 की जो फर्नीचर मार्केट है ना, वहाँ पे लगी है गाइस। देखो पूरी आग लगी हुई है, देखो यार। तो भाई बैक साइड जो आग लगी हुई है, तो यार यहाँ तो ज्यादा आग लगी हुई है। बहुत ज़्यादा पुलिस आ गई है ताकि पब्लिक को पीछे रख सकें। ऐसा ना है, मतलब उतनी देर से पब्लिक आग बुझवा रही थी, सारी जितने भी लोग थे आग बुझवा रहे थे, 80% तक आग बुझ भी चुकी है। ना भी पुलिस वाले आए बहुत सारे, वो मतलब जितने बंदे हेल्प करा रहे थे, जितने लोग यहाँ खड़े थे सबको वहाँ भगा रहे हैं कि भाई जहाँ से आए वहाँ जाओ। तो इतने अगर इतने बंदे पहले हो रहे थे, पब्लिक को
हेल्प करने की जरूरत नहीं पड़ती, सारा सामान निकाल के रखा हुआ ताकि सेफ रहे। और कुछ दुकानों की ना आग बुझ गई तो अपना अपना सामान उठा के वापस शॉप के अंदर रखते हैं। जैसे काम अभी पानी पिलाया जा रहा है अपना सामान लेके जा रहे हैं अपनी दुकानों में, दुकान से लेके वो वहाँ कॉर्नर तक दुकान पे लगी थी, मतलब कम से कम 10 दुकानें आई हैं इसके चपेट में, 10 दुकानों में आग लगी थी यार। अभी ना काफी ज्यादा आग बुझ चुकी है एंड बार बार टैंकर चेंज हो रहे हैं बिकॉज बहुत ज्यादा पानी लग रहा है यहाँ पे। अभी भी आग लगी है जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। यार बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत सारी चीज जल चुकी है। मेरे को आइडिया किस तरीके से आग लगी है, किसी को भी आइडिया नहीं किसी के साथ। मेरे रहते हो यहीं क्यों? हाँ जी। यार आपको कुछ आइडिया कि कैसे आग लगी होगी, कैसे कुछ? भाई पीछे और थी बिल्डिंग। अच्छा इधर? हाँ जी। मतलब स्टार्टिंग की साइड से इधर से उधर से बीच में थी। अच्छा, बिल्डिंग और थी? तो बिल्डिंग और थी, वहाँ पे सोलिड के भी सामान थे और बाकी थीलर थोलर के डब्बे थे। वहाँ से बिल्डिंग से वहाँ से मतलब थोड़ी चिंगारी सी निकली और वहाँ से थोड़ा सा आग लगा, उसके बाद पूरा ये मार्केट ही चली गई। सारा फर्नीचर का सामान है इसलिए ना। हाँ जी। तो अभी भी आग लगी हुई है एकदम ना, ज़्यादा अंतर नहीं जाएगा कमरों यार, इसमें तो अभी भी लग जा लो सीधा भाई। जैसा कि मैं भाई ने बताया कि स्टार्टिंग से जो बेल्टिंग की चिंगारी हुई थी एंड अभी तक होती रही है एंड अभी हमें यहाँ पर भी आगे 2 घंटे हो चुके हैं। स्टार्टिंग चिंगारी से हुई थी बेल्टिंग की वजह से, वहाँ भी हल्की हल्की आग लग रही है और ये देखो यहाँ पर भी लग रही है। अरे पेड़ पेड़ गिर जाएगा वो देखो, और जल जलने वाला पूरा ये रहा, ये ऊपर से देखो। बहुत ज्यादा आग लग गया जिनकी दुकान नहीं होंगी, अगर वो देखेंगे ऐसे तो उनका क्या हाल होगा भाई साहब। मतलब बहुत जितनी दुकान थी ना सारी जल चुकी है, पूरी दुकान जल चुकी है। बताना चाहिए हमें वाल रखी होते बहुत सारी। ओ भाई यहाँ पर अभी भी आग लगी हुई है ना, मैंने सब जगह बोला, सब कह रहे हैं यहाँ पर जाने का रास्ता ही नहीं है, बट जैसे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा आग लगी है। बट ऐसा कि अभी कुछ जलने वाला सामान नहीं है तो अभी इसे रिलैक्स कर, मतलब छोड़ रहे हैं। तो गाइस इसके बाद वापस हम अपने घर आ गए थे, जो आग लगी थी वो चंडीगढ़ सेक्टर 53 की फर्नीचर मार्केट है, वहां पर लगी थी। एंड गाइस का आग काफी ज्यादा लगी थी वहां पे, वहां का एक बच्चा था जिसने मैं बताया था आपने वीडियो में देखा ही होगा, उसने कहा था कि पीछे जो बड़ी बड़ी दुकानें थी उनके पीछे बेल्डिंग हो रही थी, तो बेल्डिंग से कोई शॉर्ट सर्किट हुआ आई थिंक, कुछ भी हुआ था उसकी वजह से लगी थी। जिन्होंने अपनी शॉप का इंश्योरेंस कराया हुआ उनका तो मतलब उनको वापस मिल जाए जो है मिल जाएगा, वरना गाइस जिन्होंने नहीं कराया हुआ उनका तो मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा। मतलब ज्यादा जो फर्नीचर का सामान था सब कुछ जल चुका था, बस थोड़ा बहुत ही बाहर निकाल पाए थे बंदे। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। प्लीज अपने अपने घरों में ना मतलब थोड़ा ध्यान रखें सेफ्टी का ना, किसी ने लापरवाही करी होगी तभी इतनी बड़ी आग लगी।